स्वागत है दोस्त हमारे नए इस वीडियो में। आज मैं आपको स्लैब रैप्ड बिल्डिंग का दिखाने जा रहा हूँ कि बीम कैसे बांधे हम लोग, कॉलम कैसे बांधा। ये हमारा कॉलम है दोस्त, और कॉलम के साथ साथ बीम है, ये देख लीजिए। ये कॉलम ऊपर तक जाएगा, अभी एक फ्लोर और जाएगा ये बिल्डिंग। और बीम हमारा नामांकन है, हम बीम का ड्राइंग में नामांकन होता है कि ये बीम है, इसका ये नाम है, उसके हिसाब से हम सरिया कटिंग करते हैं, सरिया लेंथ बेंड करते हैं और उसको फिट करते हैं। और ये काफ़ी मॉडलिंग बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जो कि अभी ये पांचवे फ्लोर पे है, और एक फ्लोर और ऊपर जाएगा और ये छठे फ्लोर पर आएगा। ये भी बीम है और ये मेन बीम है, ये सारे बीम है। और ये स्लैब देखिए हम लोग किस तरह से किया हुआ है, ये कटिंग छोटा सा स्लैब है, 8 mm का रड है, और बीम में हमने 16 mm का रड डाला है, 16, 20, 25 ऐसे करके डाला है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किया गया है। और ये दोस्त ये पूरी तरह से तैयार है, और इसमें कवर ब्लॉक भी लग गया है, सब कुछ लग गया है, ये कंक्रीट का पाइप भी लग गया है, कंक्रीट नीचे से आ रही है और ऊपर तक ऊपर को आएगी, और ये कंक्रीट का प्रेशर से पाइप प्रेशर से कंक्रीट आके हमें इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक करते जाएंगे। और ये हमारा लिफ्ट का जगह छोड़ा हुआ स्पेसिंग में, यहाँ पे लिफ्ट फिट होगा, ये लिफ्ट का जगह हमने छोड़ दिया है। दोस्त हमने सेटरिंग जो किया है, सेटरिंग हमने कच्चे प्लाईवुड से किया है, पक्का सेटरिंग नहीं, कच्चा बांस का जुगाड़ है और बांस से किया हुआ है। और मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ पे मतलब ये कोल्हापुर के अंदर में है, और कोल्हापुर के अंदर में सारा ये कच्चा जुगाड़ ही चलता है। तो ये एक तरह से फ्लैट बनने जा रहा है, और ये मतलब काफ़ी मॉडलिंग है और काफ़ी अच्छा स्लैब हुआ है इसका। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।